जय हिंद प्यारे दोस्तों। बाप की संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार होता है, क्या हिस्सेदारी होती है? तो वो बेटियां चाहे तलाकशुदा हों या शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इन सब का अपना एक अधिकार होता है। एक पति पत्नी हैं और उनसे एक बच्चे या दो बच्चे हैं और उनकी तलाक हो जाती है दूसरी, और दोनों अलग सेपरेट रह रहे हैं और तलाक हो चुकी है, तो वो बच्चा जो वो बाप से उसका क्या अधिकार होता है जबकि वो माँ के पास रह रहा है या रह रही है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, तो एक आपकी होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है स्वार्जित संपत्ति। क्योंकि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपके बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति होती है। अब स्वार्जित संपत्ति जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कमाता है और चीज़ें बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्जित संपत्ति के अंतर्गत रख। जो आपकी पैतृक संपत्ति होती है वो कभी गैर लोगों में विरासत नहीं की जा सकती है, जिनकी उसको नहीं दिया जा सकता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, ये क्या कौन सा नियम था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार एक्ट। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बाप की संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार होता है, क्या हिस्सेदारी होती है? भारतीय संविधान ने बेटियों के लिए बाप की संपत्ति में क्या अधिकार रखे हैं, कैसे उनकी हिस्सेदारी होती है, कितने परसेंट होती है? दोस्तों, वो बेटियां चाहे तलाकशुदा हों या शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इन सब का अपना एक अधिकार होता है, अपनी एक हिस्सेदारी होती है, इनके बारे में जानेंगे। और दूसरा, एक पति पत्नी हैं और उनसे एक बच्चे या दो बच्चे हैं और उनकी तलाक हो जाती है तो वहाँ पर बच्चों का जो है कैसे नियम बनता है? अगर वो शादी नहीं करती है कहीं दूसरी और दोनों अलग सेपरेट रह रहे हैं और तलाक हो चुकी है तो वो बच्चा जो वो बाप से उसका क्या अधिकार होता है जबकि वो माँ के पास रह रहा है या रह रही है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि संपत्ति की अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो एक आपकी होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है स्वार्जित संपत्ति। अब ये दोनों संपत्ति क्या होती है, कौन सी होती है? पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपके बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति होती है। जैसे आपके दादा ने आपके पिताजी को दिया और आपके पिताजी से आपको मिलने वाला है, तो ऐसी संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति के अंतर्गत रखते हैं। इनमें चाहे वो खेत हो, मकान हो या कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। स्वार्जित संपत्ति जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कमाता है और चीज़ें बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्जित संपत्ति के अंतर्गत रखते हैं। वो चाहे कोई होटल हो, मकान हो या फिर प्लाट हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम स्वार्जित संपत्ति के अंतर्गत कहते हैं। अब देखिए, इनमें जो बाप है वो किन संपत्ति, यानी जो स्वामी है वो किन संपत्ति का वो जो है विरासत कर सकता है, तो याद रखिएगा, कभी भी जो आपकी पैतृक संपत्ति होती है वो कभी गैर लोगों में विरासत नहीं की जा सकती है, जिनकी उसको नहीं दिया जा सकता, उसको नहीं दिया। जब उनके मतलब माता, जब उनके पत्नी और लड़के और लड़कियां हों तब की बात, अगर कोई ना हो तब की बात अलग है। और स्वार्जित संपत्ति जो होती है वो किसी को भी दिया जा सकता है। तो पहले स्वार्जित, जैसे किसी ने मान लीजिए कि 50 लाख रुपये कमाए और उसके पास इतने हैं और उसके एक लड़के, एक लड़की और उसकी पत्नी, तो वो चाहे तो वो अपने लड़के को दे या लड़की को दे या तीनों को दे या फिर किसी को भी ना दे, किसी और को दे दे, तो इस संपत्ति में उस स्वामी का अधिकार होता है, वो किसी को भी विरासत कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, जो बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति है, उसको कभी भी जो है अगर आपके आपकी पत्नी है और लड़के हैं और लड़कियां हैं तो उन्हीं में उसको बांटा जाएगा, जो बांटने का परसेंटेज है उसी अनुरूप बांट दिया जाएगा, उसी अनुरूप वो विरासत हो ही जाएगी, चाहे अपने जीवन काल में विरासत कर दो और चाहे मरने के बाद जो नियम है वो हो ही जाएगा। तो ये होता है पैतृक संपत्ति और ये स्वार्जित संपत्ति। अच्छा, ये कब हुआ था? तो संविधान में 1955 में एक आया था हिंदू विरासत, यहाँ पर हिंदू विरासत अधिनियम, तो ये 1955 में आया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, ये क्या कौन सा नियम था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार एक्ट।
1955। तो इनमें क्या था, तब जो क्या था लड़कियों के लिए, तो जो बेटियां होती थी उनमें, जो शादीशुदा बेटियां होती थी उनमें इन संपत्ति को, जो पैतृक संपत्ति होती थी या कोई भी स्वार्जित संपत्ति, उनमें बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता था, हिस्सेदारी नहीं होती थी। लेकिन 2005 में 1955 वाले एक्ट में ये संशोधन हुआ, और उस संशोधन के तहत ये बताया गया कि जो ये संपत्ति होगी वो चाहे बेटियां शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो या तलाकशुदा हो, वो इनमें इनका अधिकार, उस पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार होगा, वो उनमें पत्नी का भी होगा, बेटे का होगा, और शादीशुदा या गैर शादीशुदा या तलाकशुदा सभी बेटियों का उनमें नियम होता है, वो ले सकती। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि भारत में बेटियां अक्सर लेती नहीं हैं, वो उनको छोड़ देती हैं, और ज़्यादातर पत्नी में और बेटों में ही वो विरासत हो जाती है, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बेटियाँ उस संपत्ति को छोड़ देती हैं, नहीं लेती हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब अगला, अगर देखिए, अगर एक किसी का एक लड़का है और दो पति पत्नी हैं और उनमें तलाक हो गया, और देखिए वो लड़का किसी के साथ भी रह सकता है, वो चाहे माँ के साथ रहे या बाप के साथ रहे, मोस्टली माँ के साथ ही रहता है। तो यहाँ पर अब दोनों अलग रह रहे हैं, सेपरेट हो गए और उन्होंने शादी नहीं की, और ये जो आप बच्चा है उसकी जो है पढ़ाई लिखाई और जो हेल्थ इशूज हैं सब पैसे, वो अगर चाहे तो उसके पास अधिकार है, वो अपने पिताजी से मांग सकता है और वो उन्हें देना पड़ेगा, जबकि दोनों लोग सेपरेट रह रहे हैं, तलाकशुदा है। तो ये होता है अधिकार बेटियों का, भारतीय संविधान ने ये उन्हें अधिकार दिया है कि कैसे संपत्ति में विरासत की जाती है। तो दोस्तों, धन्यवाद।